अकॉर्डिंग टू पीसीआई आपके यूनिट वन में एनडीडीएस में सेवन सेम फोर्थ ईयर में ये सारी चीजों को पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम इतने शॉर्ट में और इतने कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ पढ़ेंगे कि आप एग्जाम में जाके इजिली लिख सके। अगर आप एक रात भी पहले भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इजिली पास कर सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास टॉपिक जो है कंट्रोल यानी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। डेट मीन कह लीजिए कि जो हमारे पास एनडीडीएस में पढ़ना है कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कि हम पूरे ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि पूरे बॉडी में किस तरह से ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है। तो उससे पहले समझने के लिए एक चीज़ हम एक एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले देखिए, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रहता है जो अलग अलग इंपॉर्टेंस देते हैं। उसी से हिसाब से हम समझते हैं कि किस तरह से हमारे बॉडी में ड्रग इफेक्ट करता है और नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक्चुअल में है क्या। एग्जाम्पल पर कह लीजिए, कोई गर्लफ्रेंड है या तो फिर किसी का कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों ले सकते हैं, बॉयफ्रेंड है। इस वाले क्या होता है कि देखिए बहुत तरह के होते हैं लोग कि आप में कोई इंटरेस्ट रखता है, कोई किसी में रखता है। तो पहला कंडीशन में लेते हैं, जो फर्स्ट टाइप का लेते हैं, टाइप्स में लेते हैं, टाइप्स वन में ले लेते हैं कि ऐसा कि जब एक तरफ की गर्ल्स है, मान लीजिए कि ये फर्स्ट गर्ल है एक टाइप का, तो वो क्या करते हैं, जब आप SMS करते हैं तभी वो रिप्लाई करता है, जब आप कॉल करते हैं तभी वो रिप्लाई करता है। मतलब कह लीजिए कि किसी तरह आप चल रहे हैं, मान लीजिए आप अगर छोड़ देंगे बात करना तो ये भी बात करना छोड़ देंगे। अब आते हैं दूसरे टाइप की तरफ। दूसरा टाइप क्या करता है कि कभी कभी जब उसका मन होता है SMS कर देता है, कभी कभी वो कॉल आपको कर देता है, ठीक है। इसमें भी क्या है कंडीशन कि यहाँ मैं कॉल करता है लेकिन उतना अट्रैक्टिव नहीं होता जितना आप चाह रहे होते हैं। थर्ड टाइप का क्या करता है कि थर्ड वाले आपको SMS भी करता है, आपको कॉल भी करती है, आपको प्रमोट भी करती है कि आप करियर पे फोकस दो, अपने लाइफ में फोकस दो, हर चीज़ में आपके सुख दुख में हर चीज़ में आपको फोकस करती है, हर चीज़ में आपको प्रमोट करने के लिए कहती है कि आप प्रमोट करो, आप पढ़ो, आप कॉलेज जाओ। डेट मीन कह लीजिए आपको करियर के लेके, आप भलाई के लिए करते हैं, अगर आप नाराज होते हैं तो ये मनाती है। तो आप इन तीनों में से किसको चूज करेंगे, तीसरी वाले मतलब तीसरे टाइप के चूज करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह है कि जब हम ड्रग देते हैं बॉडी में, तो पहले जमाने में क्या था कि इस तरह का ड्रग होता था, मतलब कि ड्रग देते थे तुरंत खत्म हो जाता, एक्सेंट ऑन टाइम साइड इफेक्ट ज्यादा थे। देखिए इसमें साइड इफेक्ट ज्यादा कि नुकसान, जो वाला ज्यादा अटैच होगा, जो बंदा फर्स्ट इससे ज्यादा अटैच होगा उसी को नुकसान होगा, जो इधर वाली कम अटैच है, जो कम अटैच है उसको कम नुकसान होगा। इसमें क्या है कि इसमें भी वही कंडीशन है कि इसमें तो दोनों तरह किसी तरह चल रहा, लेकिन अगर मान लीजिए किसी एक ने या तो फिर कह लीजिए आपने अगर थोड़ा सा ढीला कर दिया तो ये रिलेशन खत्म। और इस वाले केस में क्या हो रहा है कि इक्वलिटी, मतलब जितना ये कर रहा आपको और प्रमोट कर रहा, ये आप क्या करेंगे यहां पे ग्रोथ करेंगे। दैट मीन कि यहां पे साइड इफेक्ट कम है, आपका साइड इफेक्ट कम है, प्लस आपके बेनिफिट है, जैसा आपको लाइफ में चाहिए, जितना आपको चाहिए, जैसी चाहिए आपको उस तरह से मिल रहा। तो बिल्कुल इसी तरह है कि देखिए ड्रग डिलीवरी सिस्टम था, उसमें हम क्या करते थे कि उसका वन सेट ऑफ टाइम या तो फिर कह लीजिए कि जो हम जितना इफेक्ट चाहते थे उतना नहीं मिलता था, साइड इफेक्ट ज्यादा मिलता था। और नेक्स्ट इसमें दूसरी टाइम में क्या है, ये हमारे पास सस्टेनेबल, फर्स्ट वाला गर्लफ्रेंड आपको याद रखेंगे कि ये जो है हमारे पास कन्वेंशनल या तो फिर कह लीजिए कि जो पुराने जमाने ड्रग डिलीवरी सिस्टम देते वो था, ये सस्टेनेबल। सस्टेनेबल में क्या करते हैं कि ड्रग तो देता है, मतलब आहिस्ते आहिस्ते से रिलीज कर सकता है, लेकिन हम इसे एग्जैक्ट जो कंट्रोल कहेगा या तो फिर कह लीजिए 10 घंटे 20 घंटे के लिए, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने मन से सस्टेनेबल होते जाए। लेकिन ये जो कंट्रोल है ना, कंट्रोल लीजिए हमारे थर्ड टाइप की है जो हमारे लाइफ में प्रमोट करती है। डेट मीन कि ये कह लीजिए कि इस तरह का ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमको जिस तरह से चाहिए, जितने अमाउंट में चाहिए, जितने दिन के लिए चाहिए, वो हमारे पास कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमें प्रोवाइड करवाते हैं। डेट मीन कि इसी के बारे में पूरे आपको NDDS में पढ़ना है। अब ये वाले ग्राफ को समझना बड़ा ध्यान से थोड़ा सा, क्योंकि ये वाला ग्राफ आपको ही पूरे इस ग्राफ में ही ये फर्स्ट यूनिट का पूरे आपको लास्ट यूनिट तक पढ़ना है कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो इस वाले ग्राफ को आपको बना के आना है एग्जाम में और ये चीज़ आपको समझाना है कि ये है क्या एक्चुअली। देखिए सबसे वाली बात क्या होता है कि एग्जाम्पल पर देख लीजिए, जो फर्स्ट टाइप की हम गर्लफ्रेंड लेते तो वो क्या होता है, अगर हमें कॉल करता या तो फिर SMS करता तो हमारे हार्ट बीट या खुशी क्या होता, एकदम मान लीजिए ये हैप्पीनेस क्या बढ़ जाता, हैप्पीनेस बढ़ जाता, लेकिन अचानक क्या होता, सैडनेस भी उसी तरह हमारे पास होने लगता था। लेकिन सेकेंड वाले केस में देखिए कि सेकेंड वाले में क्या है कि यहाँ पे सेकेंड वाले केस में क्या होता है कि जो सेकेंड टाइप का जो सस्टेन रिलीज का, यहाँ पे ये आहिस्ते आहिस्ते रिलीज कर रहा, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते फिर ये नीचे हो जा रहा, सैडनेस भी आ रहा। लेकिन थर्ड टाइप की में क्या हो रहा था कि एक मान लीजिए हैप्पीनेस, तो एक लॉन्ग टाइम तक आपको हैप्पीनेस चलता रहेगा,
हैप्पीनेस मतलब चलते रहेगा। तो बिल्कुल इसी तरह है कि देखिए यहाँ पे ग्राफ बनाया गया कि प्लाज्मा जो ड्रग प्लाज्मा लेवल और ये हमारे टाइम के साथ जो हम एक नॉर्मल के लिए ड्रग देते हैं, एग्जांपल पे कह लीजिए कोई ड्रग दिया हमने, तो यहाँ से ये वाला पूरा ग्राफ है यहाँ पे, इसका मतलब एमटीसी मतलब मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, ये हमारे पास क्या है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। डेट मीन कि अगर ऐसा ड्रग बना दिया कि यहाँ तक कंसंट्रेशन ना दिया तो कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा ड्रग बना दिया जो यहाँ से ऊपर चला गया डेट मीन कि कह लीजिए यहाँ पे टॉक्सिक क्रिएट करता है, यहाँ पे आपको बॉडी का नुकसान करता है। उसी तरह क्या हैप्पीनेस, आप इसका ज़्यादा अलग करते हैं अचानक तो यहाँ पे नुकसान हमारे बॉडी पे हमारे माइंड पे इफेक्ट पहुँचता है ना, सैडनेस पड़ता है। तो बिल्कुल इसी तरह है कि हमारे पास ये वाला जो मान लीजिए जो ये नॉर्मल मान लीजिए इस पर हम बात कर रहे हैं जो नॉर्मल ड्रग हम देते थे क्या होता था कि आहिस्ता यहाँ पे फिर कॉल करा फिर ऊपर जाता था फिर कॉल करा फिर ऊपर जाता फिर नीचे, मतलब दुख सुख ज़्यादा इसमें होता था। लेकिन नेक्स्ट वाले क्लास में क्या होता आहिस्ता ये तो दुख आ रहा लेकिन आहिस्ता आ रहा और ये वाला जो कंट्रोल हमारे ड्रग ये हैप्पीनेस कंटिन्यू चलता रहता था। बिल्कुल ये सबसे पहला वाला क्या हमारे पास जो हम कन्वेंशनल ड्रग यूज करते थे और नेक्स्ट वाला क्या है ये हमारे सस्टेन रिलीज कह लीजिए जो हमारे पास जो कंट्रोल रिलीज का है। यहां पे मान लीजिए यहां पे ड्रग दे दिया यहाँ तक यहाँ पे मैंने किसी टाइम जीरो पे ले लिया ये वाला ड्रग कंटिन्यू यहाँ तक चलते रहा हैप्पीनेस जहाँ तक आपको जरूरत चाहिए तो वो आहिस्ते आहिस्ते रिलीज होगा लेकिन टाइम हमें जहाँ तक पीरियड चाहिए। और जो नॉर्मल ड्रग रिलीज सिस्टम है यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिए इसने कॉल किया खुश आया फिर हैप्पीनेस बढ़ गई फिर इसने कॉल करा फिर यहाँ पे हैप्पीनेस बढ़ गई फिर यहाँ पे कॉल बढ़ी तो इस तरह से पूरा चलता रहा। तो यहाँ पे देखिए हर किसी दिन में यहाँ पे दवाई देना पड़ता था हमें डोज देना पड़ता था हर नेक्स्ट डोज चार घंटे पाँच घंटे बाद या फिर जितना उसके पास टाइम हाफ टाइम होता था उसके बाद हमें बार बार ड्रग देना पड़ता था। लेकिन इस टाइम में देखें कि जो हमारे पास ये कंट्रोल रिलीज है हम एक बार ड्रग देंगे तो इसका कई डोज ये तीन डोज दे रहे हैं तो इतना बराबर हो रहा तो एक बार हम डोज देते तो उतना बराबर होता। यही चीज है हमारे पास जो नॉवल ड्रग रिलीज सिस्टम में कंट्रोल ड्रग रिलीज सिस्टम इस तरह से काम करता है। ये वाला ग्राफ आपको इस वाले एग्जाम्पल से आपको समझना है। अगर एग्जाम में आए तो सबसे पहले आप कंट्रोल रिलीज सस्टेन रिलीज उसके बाद कन्वेंशनल को डिफाइन कर देंगे उसके बाद ये वाला ग्राफ वहां पर बना के आ जाएंगे। ग्राफ में बताया वही चीज आपको यहां पूरा है ये वाला उसके बाद लिख देंगे सस्टेन रिलीज कंट्रोल रिलीज के बारे में लिख देंगे। उसका नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो सस्टेन रिलीज का अगर डेफिनेशन तो ये वाला लिख देंगे कंट्रोल रिलीज का ये डेफिनेशन। देखिए अब कंट्रोल रिलीज ड्रग रिलीज सिस्टम में क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहले क्या डिलीवरी जो है रिक्वायर्ड साइट मतलब जहां पर चाहिए वहां पर देता है। डेट मीन कह लीजिए आपको हैप्पीनेस वो थर्ड टाइप की वाली गर्लफ्रेंड कि आपको जब खुशी आपको गम में भी आपको साथ देगा जहां तक आपको चाहिए वहां तक वो आपको साथ देगी। नेक्स्ट वाले देखते हैं मेंटेनेंस लेवल करता है मतलब कि आपको खुशी का देखता है कि आपके हिसाब से चलता है। नेक्स्ट आपका रिड्यूस साइड इफेक्ट कम है देखिए आपके पास वो जब साथ देगी तो आपके साइड इफेक्ट आपके सुख दुख में देगी तो आपको साथ रहेगा। ये सारे चीज है लेकिन डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये जो है मटेरियल के यूज जो हम करते हैं वो कभी कभी टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट टॉक्सिसिटी मतलब कह लीजिए कि जो उसके सराउंडिंग जो फ्रेंड रहता है तो कभी कभी उसके माइंड में भर के क्या करता है आपके रिलेशन को बर्बाद कर देता है। वही ये डोज डंपिंग ये सारे आपको एडवांटेज ये डिसएडवांटेज लेंगे। और नेक्स्ट आता है इसके बाद फिर हमारे पास जो इसके जो फैक्टर कह लीजिए या तो फिर कोई डिजाइन जो रिलीज रिलीज सिस्टम करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर यूज करते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स के लिए देखिए फिजियोकेमिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिशन एंड फार्माकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल इफेक्ट ये तीनों चीज आपको फैक्टर करता है कि जब आप ड्रग बनाते हैं तो इन तीन जो चीज को पहले हम डिटरमाइन करते हैं स्टडी करते हैं उसके बाद फिर हम अपना ड्रग बनाते हैं। अब फैक्टर्स को जानते हैं कि एक एक करके कि कहाँ पे किस चीज़ करता है। दैट मीन कि कह लीजिए कि वो जो थर्ड टाइप या फिर आपके जो जीएफ है या वीएफ है जो भी आपके पास जो भी फ्रेंड है तो वो कौन कौन से फैक्टर से आपको डेविएशन हो सकता है उन सब चीज़ों के बारे में हम देखते हैं पहले उसके बाद फिर अगर आप हर चीज़ का रिलेशनशिप में आने से पहले अगर आप हर चीज़ का मैनेजमेंट सही कर दें तो आपका रिलेशनशिप लंबा टाइम तक चलेगा। वैसे ये है कि सबसे पहले फिजियोकेमिकल की उसका जो ड्रग का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर क्या है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है उसमें है फैक्टर आपका सॉल्युबिलिटी क्या है स्टेबिलिटी क्या है लिपोसिटी क्या है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन दैट मीन कह लीजिए कि जब प्रोटीन के साथ हम बाइंड करते हैं तो उसका इंटरेक्शन कैसे करता है ये सारी चीज़ आपका फिजियोलॉजिकल में आता है। नेक्स्ट है आपका ओरल रूट में आपको देते हैं जैसे कि जीआईटी ओरल रूट में हम देखते हैं तो मैक्सिमम क्या करता है हमारे जीआईटी पे जाकर काम करता है तो उसका देखते हैं अब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल जैसे कि पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं पैरेंटल में आप को इंजेक्शन हम तीन तरह से लगाते हैं सबसे 90 डिग्री लगाते हैं 45 लगाते हैं सबक्यूटेनियस में लगाते हैं ये सारी चीज आपको देखना है जैसे कि इंटरवेंशन ये सारी चीज आपको फैक्टर इफेक्ट करता है। ट्रांसडर्मल रूट में जैसे कि आपका नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो हम कंट्रोल रिलीज में कह लीजिए या तो फिर जो नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम करते हैं वही चीज है क्या देखिए यहां पर अगर स्ट्रिप अगर लगाते हैं या तो फिर डायरेक्ट हम इस वाले पे कोई स्ट्रिप या मेडिकेशन लगाते हैं तो हमारे जीआईटी का झमेला खत्म। जिसको मान लीजिए किसी को एलर्जी है भाई कि वो अगर टैबलेट ले तो वो क्या होता है बॉडी में जाके या तो फिर जो उसके गैस्ट्रिक में जीआईटी में जाकर इरिटेट करता है यहां पर
रिलेटेड का खत्म, लीवर में मेटाबॉलिज्म का खत्म, तो यहाँ कह लीजिए कितना जो पासिस करके डायरेक्ट इफेक्ट पहुंचेगा, डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा, ये सारी चीज ट्रांसमिटर देखे तो आपको बायोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है या फार्माकोलॉजिकल बायोलॉजिकल फैक्टर वो होता है कि जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों में अलग अलग एलर्जी होता है, जैसे एज पर डिपेंड करता है, वेट क्या है, मेल है फीमेल है, जेंडर क्या है, डिजीज स्टेट क्या है, डेट मीन कि किसी को डायबिटीज होता है, किसी को थायराइड होता है, तो उसके हिसाब से ही हम ड्रग बनाते हैं, उसके हिसाब से ही हम उसे देते हैं। ये थे पूरे उसका फैक्टर इफेक्टिंग, फैक्टर इफेक्टिंग आए तो एक एक करके आप लिख देंगे। टाइप ऑफ कंट्रोल ड्रग रिलीजिंग, दैट मीन कि कितने तरह से हम कंट्रोल रिलीज कर सकते हैं। एग्जांपल पे ले लीजिए, आपके थर्ड वाले गर्लफ्रेंड है या तो फिर कह लीजिए थर्ड टाइप के, जो आपको केयरिंग करता है, आपका केयर करता है, आपका आपका हर चीज़ में सुख दुख में हर चीज़ में आपको साथ देता है, तो इस चीज़ को हम अगर मान लीजिए कौन कौन से मतलब कितने टाइप से इस वाले रिलेशन को हम कितने टाइप से हम इसे अच्छा कर सकते हैं। देखिए अगर आपको केयर कर रहा तो आपको भी चाहिए केयर करे, अगर टाइम दे रहा तो उसको भी चाहिए, आपको भी चाहिए कि टाइम दीजिए, तो ये सारे चीज़ करके हम इस वाले रिलेशनशिप को बना सकते हैं और भी मजबूत कर सकते हैं। उसी तरह है क्या कि हम जो कंट्रोल रिलीज करते हैं तो कितने तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस वाले के एग्जांपल पे कह लीजिए हम इसे दूर रखेंगे फ्रेंड सबसे, किसको बोलेंगे तुम्हारी सहेली को कम सुनना भाई, क्योंकि तुम्हारी सहेली की वजह से ज्यादातर ब्रेकअप होते हैं, तो ये सारी चीज हम उसे कहेंगे, ये सारी चीज करके ये रिलेशन मतलब बिल्ड करता है, मतलब कितने तरह से बहुत तरह से टाइम देके केयर करके उसका ये रिलेशनशिप हम रख सकते हैं। उसी तरह क्या कि हम ये सारी चीज करके हम अपना कंट्रोल रिलीजिंग दैट मीन कि अपने हिसाब से दवाई को बना सकते हैं कि ये इतने टाइप से मेनली आई टाइप का हम यूज करके अपना ड्रग बनाते हैं जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज करते हैं। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आपको एक तरह का आता है सबसे प्रोड्रग। प्रोड्रग होता क्या, देखिए प्रोड्रग हिसाब से एक एग्जांपल पे लेते हैं। सबसे पहले अगर हम कोई ड्रग देते हैं, ड्रग देते हैं तो ये वाला डायरेक्ट एग्जांपल में नहीं जाता, ठीक है। अगर किसी बात को लिए आपको मनवाना है, आपकी मान लीजिए कोई जीएफ है या बीएफ है, मतलब जीएफ बीएफ जो भी है, देखे होंगे कि ये आपका जितना बात नहीं मानता होगा उसके जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना, बेस्ट फ्रेंड जो होता है उसका बात ये मान लेता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने कुछ मनवाना है इसे तो हम डायरेक्ट अगर बोल के देखें तो डायरेक्ट क्या हुआ भाई, इसने मना कर दिया कि नहीं हम तुम्हारी बातों को नहीं माने। हम क्या करेंगे, इस वाले फ्रेंड को कन्विंस करेंगे, उसके बाद फिर हम इसे मनाएंगे। तो वही सिस्टम है कि ड्रग क्या करते हैं कि ड्रग पहले अगर देते तो हमारे बॉडी में अगर नहीं गया तो उस वाले कंडीशन में बहुत सारे ऐसे हमारे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे बैरियर है कि डायरेक्ट ड्रग क्रॉस नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इसकी फ्रेंड को मना लेंगे। उसके बाद हम अगर मान लीजिए फ्रेंड मान गई तो ये मान गई, तो हम क्या करें कि फ्रेंड को मना लिए प्रोड्रग के यूज़ करके ड्रग का, जब ये क्रॉस हो गया इसकी फ्रेंड को तो मान ही गए, जब मान लिए तो चले गए वहाँ पे मान लीजिए जहाँ आपको जाना है, तो यहाँ पे जाके उसकी फ्रेंड अलग होगी, जो आपको मनवाना था वो मान गई, तो वो आप क्या है एक्शन वहाँ पे शो कर गया। तो डेट मीन कि ड्रग अगर डायरेक्ट नहीं जाता तो उसके साथ हम प्रो यूज़ कर देते हैं, प्रो अंदर जाके क्या होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन कह लीजिए कि उसकी फ्रेंड अलग होगी, आप अलग, वो अलग होगी, दोनों अलग है, फिर आप दोनों अलग होकर चले गए या तो फिर वो मान गई बात। इस तरह से पूरा ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन या तो कह लीजिए आपको प्रोड्रग काम करता है, इसे आप ले लीजिए प्रोड्रग का पूरा डेफिनेशन, उसके बाद फिर ये सारी चीज आप उसे लिख लेंगे वहां पर। टाइप का देखा तो डिसोल्यूशन कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम या तो फिर कह लीजिए कोटिंग। कोटिंग का इस वाले एग्जाम्पल पे ले लीजिए कि एक वाले कोटिंग पे, कोटिंग के एग्जाम्पल पे कह लीजिए कि कोई ड्रग है, ड्रग का क्या आपको उसी वाले स्टैम्प पे देखते हैं कि आपको यहाँ पे क्या है आपकी गर्ल्स है, यहाँ पे क्या है आपका विश्वास का, आपका भरोसा का, हर चीज़ का यहाँ पे लेयर बना हुआ है, एक रिलेशनशिप आपका सिक्योर है। लेकिन क्या करते हैं कि कुछ दोस्त आपके, कुछ दोस्त उसकी कुछ दोस्त, ये क्या क्या इसका कान भर दिया, तो आहिस्ते आहिस्ते ये लेयर जो विश्वास भरोसा आहिस्ते आहिस्ते घट जाता है, तो आहिस्ते आहिस्ते ये फूल के क्या होता है बाहर आ जाता है। उसी तरह हम क्या करते हैं फिर फाइनली हमारा क्या होता है रिलेशनशिप बेकार हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह क्या होता है कि जब देखिए हम इस वाले कोटिंग में क्या करते हैं कि जो हमारा ड्रग है, ड्रग गर्ल को जगह पे आप ड्रग रख लीजिए, ड्रग में हम क्या करते हैं कोटिंग लगा देते हैं, कोटिंग डेट मीन कह लीजिए कि उसके लेयर लगा देते हैं, तो पहले डिजोल्व ये होगा, फिर डिजोल्व ये होगा, फिर ये डिजोल्व होगा, मतलब आहिस्ते 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 ड्रग ये निकलेगा। तो इसका बेनिफिट क्या है कि लॉन्ग टाइम तक चलेगा, डेट मीन थोड़ा लेयर गया तो थोड़ा सा निकला, और निकला तो और थोड़ा गया, और निकला तो और निकला, मतलब कह लीजिए कि फाइनली ड्रग क्या हो जाएगा डिजोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है आहिस्ते आहिस्ते रिलेशन खत्म हुआ, आहिस्ते 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 आपका कान भरते भरते आहिस्ते पूरा रिलेशन खत्म हो गया। तो इस तरह क्या आहिस्ते आहिस्ते करके हमारा ड्रग का एक्शन बॉडी में शो करेगा। बायोडिग्रेबल, बायोडिग्रेबल में मतलब क्या है कि ऐसा ड्रग कि हम बायोडिग्रेबल कि हमारे बॉडी के अंदर जाए, कि ड्रग के साथ उसको हम कंबाइन करके बनाते हैं, जैसे हम उसे खाते हैं तो वो आहिस्ते आहिस्ते बॉडी में जाके हमारे ड्रग को रिलीज कर देता है। यहाँ देखिए पहले बड़ा था हम इसे खाए, आहिस्ते 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 से निचोर हो गया, या तो कह लीजिए डीनेचर हो गया, पूरे पूरे खत्म हो गया, फाइनली हमारा ड्रग हमारे बॉडी में आ गया। नेक्स्ट देखें तो क्या होता है हमारे पास आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज में कह लीजिए कि जैसे कि एग्जांपल पे कह लीजिए रेजिन्स और ड्रग को हम बना देते हैं, ठीक है,
उसके बाद इस तरह का ड्रग बना के हम जब से आयंस एक्सचेंज हमारे बॉडी में जब आयंस होते हैं तो वहाँ के आयंस रिएक्शन करके वो अपना रिलीज कर देता है। फिर आता है ऑस्मोटिक पंप में क्या होता है कि कोई ऐसा ड्रग मतलब बना लेते हैं कि मान लीजिए बाहर का ऑस्मेटिक एकदम नॉर्मल है तो वहाँ पर जाता है हमारे GIT में अगर गया तो GIT में ऑस्मेटिक बढ़ता जो प्रेशर बनता उस प्रेशर के कारण जो रिलीज होता तो आहिस्ते आहिस्ते इस वाले जो प्रोसेस से हम रिलीज करवाते हैं उसे हम कहेंगे ऑस्मेटिक प्रेशर या तो फिर कह लीजिए ऑस्मोटिक पंप के हिसाब से हम बनाते हैं NDDS नॉर्मल ड्रग रिलीज या तो फिर कह लीजिए कंट्रोल ड्रग रिलीज सिस्टम। हाइड्रोडायनेमिक बैलेंस ड्रग रिलीज सिस्टम, हाइड्रोडायनेमिक जैसे कि इस तरह का हम हाइड्रोडायनेमिक मतलब कि हाइड्रो जहाँ भी यूज कर रहा है कि डायनेमिक। देखिए हाइड्रो मतलब क्या होता है कि वाटर, डायनेमिक मतलब ऐसा प्रोसेस। देखिए डायनेमिक को समझने के लिए एक चीज़ समझ लीजिए कि जब हमारे पास कोई खाना बनाते हैं डेट मीन कि कोई कुकर से हम बनाते हैं यहाँ पे खाना तो नीचे क्या होता है हीट जाता है, नीचे हीट दिए तो एक काम क्या करता है यहाँ पे प्रोसेस बनता है, प्रोसेस डेट मीन प्रेशर बनता है तो यहाँ पे देखिए कुकर के यहाँ सतह पे जाता है या वेपर बन के जाता है फिर गैस बन के लीटर आता है फिर पानी बनता है। तो मतलब क्या है कि कंटिन्यूसली दो प्रोसेस चलता है, मतलब मोर देन एक दो प्रोसेस चले उसे हम कहेंगे डायनेमिक। तो हाइड्रोडायनेमिक प्रोसेस में ऐसे करते हैं कि ड्रग की जो दो प्रोसेस करके एक साथ दोनों को प्रोवाइड करवाता है उसमें एबिलिटी ज़्यादा मिले, थेरेप्यूटिक इंडेक्स ज़्यादा मिले, उसके यूज़ करके हम क्या बनाते हैं हाइड्रोडायनेमिक जो हमारे ड्रग डिलीवरी सिस्टम उस तरह से बनाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जो न्यू मैक्रोमोलिकल्स ड्रग अप्रोचेस में करते हैं जैसे कि स्किन स्मार्ट पैचेस इस तरह से लगाते हैं जैसे कि यहाँ पे स्किन का अगर कोई ज़रूरत पड़ा अगर जैसे कि अगर इस तरह का हम यूज़ करके अगर डायरेक्ट कोई भी हम देते कोई भी ड्रग डिलीवरी या तो फिर कोई भी ड्रग दिए कि स्किन में यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है कि जल्दी यहाँ पे ऑनसेट एक्शन हो जाता है क्योंकि ड्रग क्या है फाइनली हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाना है आपको मैंने बताई है। तो ये सारी चीज़ उसका बेनिफिट है, एलर्जी नहीं होगा, ये सारी चीज़ उसका बेनिफिट है। भरोसा और मोबाइल में नेट ना हो तो लोग गेम खेलने लगता है, उसी तरह है कि अगर ड्रग में पॉलीमर ना हो तो बायोडिग्रेडेबल या तो फिर कह लीजिए जो हम कंट्रोल रिलीजिंग ड्रग सिस्टम बनाते हैं वो ड्रग सिस्टम बनाना पॉसिबल नहीं हो सकता, मे बी पॉसिबल नहीं हो सकता, अदर चीज़ हमें यूज़ करते हैं। तो मेनली हम पॉसिबल यूज़ करते हैं पॉलीमर का यूज़ करके हम अपना ड्रग बनाते हैं। देखिए पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर एक तरह के लॉन्ग मॉलिक्यूल चेंज होता है जिसका यूज़ करके मोनोमर से बहुत सारे मोनोमर यूज़ करके हम उसे पॉलीमर बनाते हैं, ये सारे उसका आइडियल कैरेक्टरिस्ट है। नेक्स्ट आपको देखें तो इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसका बेस्ड ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत सारे टाइप के। सबसे पहले आपका आता है नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर में जैसे कि सेलुलोज स्टार ये एग्जांपल आप इसे याद कर लीजिए। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में आता है जैसे कि सेलुलोज एक एक करके लिख देंगे, सिंथेटिक पॉलीमर में आपका था पॉली ये पॉलिस्टर ये सारी चीज़ आप लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि लीनियर पॉलीमर ब्रांच चेन पॉलीमर क्रॉस लिंक्ड चेन पॉलीमर, ये सारी चीज होते हैं कि आपके एक एक क्लासिफिकेशन लें। नेक्स्ट अगर अब हम जानते हैं कि पॉलीमर का सिंथेसिस क्या होता है, देखिए पॉलीमर का सिंथेसिस होने से पहले क्या होता है कि एक चीज देखिए इसका तीन फेज में, सबसे पहले इनिटेशन मतलब क्या होता है कि जो बर्थ होता है उसका प्रोपगेशन मतलब ग्रोथ करवाते हैं, उसके बाद फिर टर्मिनेशन मतलब कि जितना हमें जरूरत है उसे हम फिर काट देते हैं। ये हमारे पास पूरा सिंथेसिस का ये पूरा डिटेल दिया हुआ, इसे आप लिख लीजिए। मैकेनिज्म कौन कौन से मैकेनिज्म है जिससे हम पॉलीमर से ड्रग एक्सचेंज करते हैं, सबसे पहले एग्जांपल पे देख लीजिए कि ये होता क्या। पॉलीमर आपका क्या है कि वही जो गर्ल्स के साथ या बॉयज़ के साथ या जो भी आपके फ्रेंड के साथ वही जो आपका प्रोटेक्शन है, आपका रिश्ता है, भरोसा है, वही चीज़ है। डेट मीन कि इसे ख़त्म कैसे करते हैं आहिस्ते आहिस्ते, तो जो मैथड्स ख़त्म करने का हो वही एग्जाम्पल पर कह लीजिए पॉलीमर्स है। पॉलीमर्स वही चीज़ है कि आपका रिश्ता है, जो भरोसा है, वही चीज़। सबसे पहले इसका तीन मैथड्स हम इसे खत्म करते हैं, पहले डिफ्यूजन, डिग्रेशन एंड वाटर पेनिट्रेशन, ये सारी चीज़ का यूज मैकेनिज्म करके हम एक एक करके कह सकते हैं कि ड्रग रिलीजेशन करते हैं। एग्जांपल पे कह लीजिए और एक चीज़ समझ लीजिए, गर्ल्स की जगह पे कोई ड्रग है, ड्रग का मान लीजिए कि यहाँ पे पॉलीमर यूज कर दिए, पॉलीमर मतलब कवर कर दिए, ये आहिस्ते आहिस्ते जाएगा तो कौन, तीन तरह से होते हैं कि जो आपके यहाँ पे लिखे हुए इसे आप लिख लीजिए। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जो कि आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं पॉलीमर का डिफ्यूजन करते हैं, डेट मीन डिफ्यूजन करके ड्रग हमारा रिलीज है। इसमें दो तरह का हम यूज़ करते हैं, एक रिजर्वायर एक होता है मैट्रिक्स, ये दो तरह के होते हैं, इससे ही हम डिफ्यूजन का प्रोसेस। डिफ्यूजन में दो तरह का होता है, एक रिजर्वायर एक होता है मैट्रिक्स। रिजर्वायर में देखिए इनमें दो तीनों का डिफरेंस क्या है, आपको तो एग्जांपल पे यह जो स्ट्रक्चर देख के सेम लग रहा होगा लेकिन देखिए इसमें जो कंटेंट होता है ये जो ड्रग होते हैं ये हमारे पास कोर्स में कंटेंट होता है, डेट मीन कि कह लीजिए कि ड्रग जो है ना यहाँ 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 पे रहते हैं, इसके बाद कर देते हैं मान लीजिए कोटिंग करा, ये जो छेद है यहाँ 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 पे हम ड्रग दे दें, इस वाले में हम ड्रग दे दें। और इस कंडीशन में क्या होता है मैट्रिक्स डिफ्यूजन में हम इसे एक पूरा इसमें पोर्स में डाल देते हैं तो आहिस्ते 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 यहाँ से निकलता है, मतलब दोनों का क्या है डिफ्यूजन प्रोसेस से ही निकलेगा लेकिन इसका निकलना अलग है और इसका कोर्स का निकलना अलग है। इस दोनों का मेथड का यूज करके हम क्या बनाते हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी होता है। आपका डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब कह लीजिए बायोडिग्रेडेशन मतलब ड्रग कोई ऐसा चीज हम कंपाउंड कर दिए कि इसमें लोडेड करके दे दिए, उसके बाद फिर ड्रग आहिस्ते आहिस्ते अंदर जाके एंजाइमेटिक का रिएक्शन करके आहिस्ते आहिस्ते वो ड्रग को रिलीज कर दिया, कहाँ हमारे बॉडी या ब्लड सिस्टम में। इसमें दो तरह का होता है, एक हमारा हाइड्रोलिसिस एक होता है एंजाइमेटिक, मतलब कि इसमें कुछ होता है कि वाटर के साथ डिजोल्व करके ये पूरा ड्रग रिलीज करता है, कुछ ऐसे ड्रग बनाते हैं जो एंजाइम के साथ मिलकर ड्रग को रिलीज करता है। सिलेक्शन करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए, सबसे पहले उसे देखना कि सॉल्युबिलिटी कैसा काम करता है हमारे
बायोलॉजिकल इफेक्ट में जाके या बॉडी में जाके किस तरह से सॉल्युबिलिटी होगा, विस्कोसिटी क्या होता है, क्रिस्टलाइन क्या होता है, और उसका पॉलीमर क्या है, पॉलीमर जो पॉलीमर से इरेशन या तो फिर कह लिए बायोडिग्रेडेबल क्या है, उसका अच्छा काम करता है कि नहीं करता है, इन सब चीज़ों को देख के हम सिलेक्शन करते हैं किसका, पॉलीमर का ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये सारी चीज़ आप ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।